आज राजेंद्र नगर पुलिस और साइबराबाद SOT मिलके एक जाइंट ऑपरेशन कर रहे थे और पांच लोगों को पूरा लोगों यूपी है, एक गैंग है नोटोरियस, ये लोगों कमर्शियल क्वांटिटी का गांजा ट्रांसपोर्ट करते, वो लोगों को आज अरेस्ट करे। आज मॉर्निंग यूपी का गैंग वाला सचिन सिंह बोल के उन 5 साल से ये धंधा में है, वो लोगों अरकू से परचेज करके कुछ यूपी में बेचता है कुछ मुंबई भी बेचता है। वो लोगों सचिन और विनोद बोल के यूपी वाले ये धंधा कर रहे, लास्ट 3 महीने में भी एक बार 100 केजी, एक बार 90 और एक बार 80 केजेस का गांजा ट्रांसपोर्ट करे थे। वो ये ट्रांसपोर्टेशन इजी होती इससे पहले, अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने चेक पोस्ट लगाए और पेट्रोलिंग बढ़ा दिए और पेडलर्स के ऊपर कुछ मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं ना, इसीलिए ये लोगों ट्रांसपोर्टेशन इस तरह अभी ये टाइम में इजी नहीं है बोल के ये सचिन जो ऑर्गेनाइजर है, मेन सप्लायर है, पेडलर है, वो लोगों मुंबई से 3 लोगों को, वो लोगों भी यूपी का है, 3 लोगों को बुला लिए थे। वो लोगों एर्टिगा व्हीकल्स भी लाए थे 2, एक सलीम नदीम और सकलेन, ये लोगों भी 3 भी यूपी का है, उनका दोस्त है। ये पूरा लोगों मिलके अरकू जाके कल 254 केजेस गांजा वहां राजू बोल के एक आदमी रहा था वहां से परचेज कर लिया। कुछ कैसा भी आधा यूपी आधा मुंबई भेजने के वास्ते आज दोनों पूरा 2 कार में भी लाके हमारा राजेंद्र नगर एग्जिट 17 के पास उतर के सर्विस रोड पे लगा के दूसरा कार में अर्ली मॉर्निंग में शिफ्ट करना शुरू करे। वो टाइम में पब्लिक देके पुलिस को इंटीमेशन करे। अभी जब SOT और लोकल पुलिस DCP श्रीनिवास सर उनका पूरा टीम जाके उनको गिरफ्तार करे। ये टाइम में 5 लोगों मिला, 2 आदमी भाग गए थे। और ये उनका ट्रांसपोर्टेशन मेथड ऐसा रहता है, 2 एटिका रहता है, 1 नंबर प्लेट, दोनों भी महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन है, फिर भी एक गाड़ी को ओरिसा नंबर प्लेट लगा के पीछे लगा देता है, महाराष्ट्र गाड़ी जो ओरिजिनल नंबर प्लेट है था उसको पहले लगा के पायलटिंग करते, पुलिस का मूवमेंट पूरा देख लेके अगर क्लियर है तो रोड क्लियर है तो ही वो गाड़ी आगे निकलता, ऐसा लाए थे। वो लोग 5 लोगों को पकड़ा गया, आज पुलिस में वो पेश कर रहे। ये सुबह से ये फायरिंग हो रहा हुआ, वो लोगों गैंग वो गांजा गैंग भी फायरिंग कर रहे थे, पुलिस भी करा बोल के न्यूज में आए थे, वो पूरा गलत है। वो कार को घेराव करके पूरा वो लोग डोर नहीं खोलने से हमारा पुलिस वाले ऑफिसर्स डोर खोलने के टाइम पे वो एक आईना उसका विंडशील्ड फोड़ गया था। वो मीडिया फ्रेंड एक आदमी पहले जो आदमी आया उन देख के ये फायरिंग में ये टूट गया बोल के सोच के पहले स्क्रोलिंग लगाए, वही मिस इन्फॉर्मेशन सब शुरू हुआ। लेकिन उनके पास तो एक वेपन मिला था, 11 अमिनेशन भी मिली, वो लोगों फायरिंग का इंसिडेंट नहीं हुई। ये अच्छा हुई, ये आज पब्लिक देख के पुलिस को इंटीमेशन देना बहुत अच्छा हुई, एक अच्छा गैंग पकड़ा था हमें, पब्लिक का मदद मिली थी। मैं पब्लिक से ये भी गुजारिश करता हूँ, वो छोटा हो बड़ा हो, आप